नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। राजेश एक बहुत ही होनहार लड़का है जिसने बहुत अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करी और उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। धीरे धीरे उसके जॉब में वो प्रोग्रेस भी करता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और वो फिर अपनी लाइफ की पहली कार ले लेता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी शादी किसी एक अच्छी आईटी में काम करने वाली लड़की से फिक्स हो जाती है और फिर वो दोनों मिल करके अपना लाइफ शुरू करते हैं और दोनों एक बहुत अच्छा घर भी खरीदते हैं और उसके बाद वो अपनी लाइफ को और थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो धीरे धीरे उनको ये समझ में आता है कि उनकी लाइफ एक स्टीरियोटाइप बन चुकी है। वही सुबह उठना, खाना पकाना और ऑफिस जाना, ऑफिस में वही शायद कोडिंग या मीटिंग्स या नए क्लाइंट्स, और हफ्ते में दो दिन छुट्टी होने के बावजूद भी ज़्यादातर काम अपने घर के काम निपटाने में या सोने में निकल जाते थे। ऐसे ही 3-4 साल बीत जाते हैं और उन्हें अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो एक अपने घर के मालिक है, अच्छी कार है, अच्छी जॉब है, इनकम भी है, लेकिन क्या हो रहा है, हम वही काम क्यों कर रहे हैं और ये काम हम लोग कितने साल तक करने वाले हैं? क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्टीरियोटाइप लाइफ हम में से बहुत सारी लोगों की हो चुकी है और इसका मेन कारण क्या है और स्टीरियोटाइप लाइफ क्या होती है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, स्टीरियोटाइप लाइफ का मतलब ये होता है कि हम लोग एक ही काम एक ही तरीके से सालों साल जब करते हैं और वो करने के बाद भी हम लोगों को जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो उसको स्टीरियोटाइप लाइफ कहते हैं। भले ही आप कोई शॉप ओनर हो या तो आपका कोई मेडिकल स्टोर है, आपका कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, वहीं पर हम लोग रोज़ जाते हैं, सेम काम करते हैं, सेम हिसाब करते हैं, शायद कभी पैसा कमाते हैं, कभी पैसा लूज भी कर देते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारे लाइफ में कोई एक सेटिस्फेक्शन जो चीज़ होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग एक ही बात एक ही तरीके से एक ही एंगल से हम लोग करते रहते हैं और शायद एक अमीबा की तरह हम लोग लाइफ जी रहे हैं, तो उस वजह से हमें ये लाइफ बोरिंग लगती है और सब कुछ होने के बावजूद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो स्टीरियोटाइप लाइफ का मतलब ये होता है कि हम लोग सेम चीज़ सेम टाइम पर सेम तरीके से कर रहे हैं और इसलिए हमें कुछ उसमें इमोशनल फीलिंग नहीं महसूस होती और कुछ सेटिस्फेक्शन भी नहीं महसूस होता है, इसको स्टीरियोटाइप लाइफ कहते हैं। तो स्टीरियोटाइप लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम लोग स्टीरियोटाइप लाइफ से बोर हो जाते हैं? क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में चेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। हम लोग रोज़ नए कपड़े पहनना चाहते हैं, शायद हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन उन सारे कपड़ों को हम हमारे ड्रेसिंग रूम में देख करके भी बोर हो जाते हैं। शायद वही जूते, वही घड़ी, वही पेन से भी हम लोग बोर हो जाते हैं। तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। और वैसे ही जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हमारे लाइफ की जो होती है, जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसमें अगर बदलाव नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, तो भी हम लोग बोर हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि हम लोग जब कोई काम स्टीरियोटाइप से करते हैं तो हम ग्रो नहीं हो पाते हैं, और आज की दुनिया में अगर आप ग्रो नहीं हो रहे हो तो आप डेफिनेटली डाई हो रहे हो या तो आप नीचे खिसक रहे हो। तो क्योंकि आप कुछ नया सीखेंगे नहीं, कुछ नया करोगे नहीं, तो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए भी स्टीरियोटाइप लाइफ से बहुत सारा नुकसान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम लोग एक ही काम एक ही तरीके से एक साथ करते हैं और हम लाइफ में देखते हैं कि हमारे साथ वाले जो लोग थे वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, शायद वो कुछ आगे भी नहीं निकल गए, शायद वो लोग फाइनेंशियली बहुत आगे नहीं निकल गए होंगे, लेकिन वो लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं। कोई बंदा जो आईटी में काम कर रहा है वो बहुत अच्छा ट्रेकिंग भी कर रहा है, कोई बंदा बहुत अच्छा कॉफ़ी शॉप भी चला रहा है, कोई बंदा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई बंदा बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहा है और उसमें भी वो पैसा कमा रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ही हमारे स्टीरियोटाइप लाइफ से बाहर आने के बारे में सोचना चाहिए और उससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, आइए हम लोग आगे समझते हैं। अगर आपको अपने स्टीरियोटाइप लाइफ से बाहर आना है तो सबसे पहला काम करना होगा, जो काम हम लोग रिपीटेटिव कर रहे हैं उसे ऑटोमाइज करना है। शायद आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको हर रोज़ कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, तो आप कस्टमर कनेक्शन के बारे में कैसे ऑटोमाइज कर सकते हैं वो पहले सोचिए। जो भी काम हम लोग रोज़ के रूटीन में बार बार कर रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिए और उसे हम लोग ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम लोग कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं और वो ऑटोमेटेड काम में से हम लोग कितना
खुद को निकाल सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी एक दिन या एक हफ्ते की नहीं हो सकती, इसके लिए आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा और उसमें आपको नोटिंग करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर काम को आप ऑटोमाइज तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो भी काम आप दिन के, हफ्ते के या महीने के कर रहे हैं तो उसमें रिपीटेटिव कौन कौन से काम है और उसमें ऑटोमाइजेशन कैसे ला सकते हैं इसके बारे में सोचिए। तो स्टीरियोटाइप लाइफ से बाहर निकलने की ये पहली स्टेप है कि आप अपने रूटीन काम को ऑटोमाइज करें। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम है कि आप अपने आजू बाजू के लोगों की हायरार्की समझिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या हर एक बिजनेस में, हर एक ऑफिस में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हायरार्की होती है। वर्टिकल हायरार्की का मतलब ये होता है कि जो लोग आपके साथ आपके लेवल में ही काम कर रहे हैं, आपके जैसा ही काम कर रहे हैं या आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको हॉरिजॉन्टल हायरार्की कहा जाता है। और वर्टिकल हायरार्की का मतलब ये होता है जिन लोगों को आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग जो आपके बॉस है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, तो उनको समझना ये वर्टिकल हायरार्की होती है। तो आपको दोनों को एक बार समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपने स्टीरियोटाइप लाइफ से कैसे बाहर आ सकते हैं। जैसे अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो कोई बंदा जीएसटी का काम कर रहा होगा, कोई बंदा अकाउंट रिसीवेबल का काम कर रहा है, कोई बंदा अकाउंट्स पेएबल का काम कर रहा होगा, कोई बंदा पेमेंट्स का काम कर रहा है, कोई बंदा बैंकिंग का काम कर रहा है और आप ये टीम के कोई मेंबर है जिसमें आप अकाउंट पेएबल देख रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग कौन कौन से तरह का काम कर रहे हैं, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल हायरार्की कहेंगे। और जिस जो बॉस को, जो अकाउंट्स मैनेजर हो सकता है या जनरल मैनेजर अकाउंट्स हो सकता है या फाइनेंस डायरेक्टर हो सकता है, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी वर्टिकल हायरार्की है। इन दोनों हायरार्की को समझने के बाद आपकी जो हॉरिजॉन्टल हायरार्की है उनके कामों को आपको समझना होगा। जैसे अगर आप अकाउंट्स पेएबल का काम कर रहे हो तो आप कुछ महीनों के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल का काम कीजिए, कुछ महीनों के बाद आप बैंकिंग का काम कीजिए, कुछ महीनों के बाद आप जीएसटी का काम कीजिए, कुछ महीनों के बाद आप इनकम टैक्स का काम कीजिए, जिससे आपकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल हायरार्की है उन सारे काम में आप माहिर हो सकते हो। उन सारे काम में आपको समझ में भी आएगा कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स पेएबल का चैलेंज अलग हो सकता है और जीएसटी का चैलेंज अलग हो सकता है। वैसे ही अगर आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को भी सीखिए और उसमें काम करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल हायरार्की समझकर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, जिससे आप अपनी स्टीरियोटाइप लाइफ में थोड़ा तो चेंज ला सकते हैं। और उसके बाद आपको वर्टिकल हायरार्की समझनी चाहिए और आपको उसके ऊपर एक स्टेप अप होना चाहिए, जिससे आपको अपने लाइफ में भी एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है और आप एक स्टेप और ऊपर उठ सकते हैं, जिससे आप अपने स्टीरियोटाइप लाइफ्स का एक सर्कल पार कर सकते हो। ये तो एक हो गया कि जैसे आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो उसके स्टीरियोटाइप लाइफ से आप थोड़ा बेहतर कैसे बन सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ सही मायने में स्टीरियोटाइप से बाहर निकालनी है तो आपको एक वो बड़े सर्कल से बाहर निकल के ही कुछ काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स को छोड़ करके, अकाउंट्स को भूल करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके लाइफ में कुछ तो फैसिनेशन आए। जैसे आप कोई म्यूज़िक के लिए असिस्ट कर सकते हो, जैसे आप किसी कॉफ़ी शॉप पर जा करके असिस्ट कर रहे हो, जैसे अगर आपको ट्रेकिंग अच्छा लगता है तो ट्रेकिंग में ही आप असिस्टेंट का काम कर रहे हो। इसके लिए आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपको फैसिनेट करेगी, जिसके लिए अगर आपको पैसा ना भी मिले तो भी वो काम करने में आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी चीज़ को आपको ढूंढना है और उसके ऊपर आपको हफ्ते के 2 घंटे काम करना है, जिससे आप एक बड़े सर्कल से निकल कर आप एक छोटे सर्कल पे काम कर रहे हो और शायद वो छोटा सर्कल कल चल के बड़ा बन जाए। शायद आपको कोई एनजीओ में काम करना भी अच्छा लग सकता है तो आप उसको भी कीजिए, हफ्ते में 2 घंटे कीजिए और धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ा दीजिए और एक साल में या 2 साल में एक बार हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फुल टाइम काम कीजिए, जिससे आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और जिससे आपको शायद एक नई लाइन भी मिल सकती है और आपकी जो अकाउंट्स की स्टीरियोटाइप ज़िंदगी है उससे शायद आप बाहर आकर के अगले 5 या 10 साल में कुछ नया और कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक की ये डिस्कशन को देखकर अगर आपको ये लगता है कि यस मेरी लाइफ स्टीरियोटाइप है या नहीं है या मेरी लाइफ स्टीरियोटाइप होने वाली है
तो भी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि कभी ना कभी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपने ये आइडेंटिफाई किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर इसके बारे में आपको कुछ हेल्प भी चाहिए तो भी मुझे आप कनेक्ट कीजिए, आपको मैं ज़रूर गाइड करूँगा कि इस स्टीरियोटाइप लाइफ से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। और आपके आजू बाजू में आपके दोस्त या कोलीग ऐसी अगर बात करते हैं कि उनकी लाइफ स्टीरियोटाइप हो गई है तो ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ऐसे और वीडियो हम लोग बना सकें। थैंक यू सो मच।